नगरगण कृपया ध्यान दें, गुजरात से चलकर बेरोजगारी के रास्ते दिल्ली तक जाने वाली जुमला एक्सप्रेस अपने किए हुए जुमले वादों से अनिश्चित काल के लिए रद्द की जाती है। छात्रों को दिखाए गए झूठे वादों पर हमें खेद है, कृपया आगे वोट देने से पहले सावधानी बरतें। धन्यवाद। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हवा में देती है सरकार नौकरी। ये जो आपको दिख रहे हैं लड़के के बेरोजगार हैं। अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? जितने भी अटेम्प्ट होते हैं सभी पूरी कर लिए हैं, लेकिन उसके उपरांत भी सरकार कहती है हमारे पास तो रोजगार नहीं है। 1.27 करोड़ का फॉर्म भरा, आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है, और पहले सरकार में बहुत कम गिरती थी, इसका मतलब पहले सरकार में कम रोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। इतना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों? इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत ही बहुत खराब है। टोटल एम्प्लॉयमेंट देखें 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक टोटल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही नहीं। ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालात ये है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। भाइयों और बहनों, देश को रोजगार ये दो उद्योगपति नहीं देते हैं, देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, देश को रोजगार किसान देते हैं, और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी।